सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। मैंने एक्चुअली प्लान किया था वीडियो बाहर बनाने का, तो मैं बाहर गया सेटअप लगा के, और बाहर गर्मी इतनी थी कि मैं उसी टाइम वापस अंदर आ गया। सो हम रूम में वीडियो शूट करेंगे। बाकी भाई अर्जेंटीना की मैंने किट पहनी एज यू कैन सी, बिकॉज अर्जेंटीना जस्ट वन द सेमीफाइनल अगेंस्ट क्रोएशिया लास्ट नाइट। मैं और अनिकेत इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम पूरी रात हमने मैच देखा। सुबह तक यहाँ पे 6:30 मैच खत्म हुआ था और हम दोनों ने छुट्टी ले ली, बिकॉज हम सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे चैनल पर दे देनी चाहिए, बिकॉज इट्स मेसीज लास्ट वर्ल्ड कप, एंड अगर एक होता है ना फेरी टेल एंडिंग होती है, तो आई होप ही गेट्स इट। एंड बाकी भाई आई सिंसियरली होप दैट यू गाइस आर आल्सो फॉलोइंग द वर्ल्ड कप। नहीं कर रहे तो देखो भाई, फीफा इज समथिंग एल्स, फुटबॉल इज समथिंग एल्स, यू विल फील ऑल द इमोशंस देयर। बाकी आज की वीडियो के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें फाइनेंशियली होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, या फिर स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया आए, आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया, आपने उसमें पैसे डाले, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइन। बहुत सारे और टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती हैं, बट मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज क्रेडिट कार्ड्स। अब देखो, क्रेडिट कार्ड्स आई एम प्रीटी श्योर आपने नाम सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा इंडिया में, बट द गोल्डन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या आप एलिजिबल हो एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एंड आई डिसाइडेड टू शेयर दिस बिकॉज फर्स्टली आई हैवंट सीन एनीवन टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज टूल्स जो आपके बहुत काम आ सकता है एज अ क्रेडिट कार्ड न्यूमरस जगहों पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज आई थिंक इंडिया से या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, दे डोंट हैव द राइट फाइनेंशियल नॉलेज। मुझे भी नहीं थी, ठीक है, मेरे को मेरे डैड ने गाइड किया, एंड फर्दर मोर आई डिड सम रिसर्च, एंड आई थिंक क्रेडिट कार्ड इज अ वायबल टूल विच एवरी स्टूडेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ। ठीक है, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको यूज नहीं करोगे, एंड अगर यूज नहीं करोगे तो उसके एडवांटेज आपको नहीं मिलेंगे। सो क्रेडिट कार्ड्स हैव अ सर्टेन एडवांटेज एंड दे ऑल्सो हैव अ सर्टेन डिसएडवांटेज। सो स्पीकिंग ऑफ कि आपकी सिचुएशन कैसी है, यू वुड डेफिनेटली वांट टू ट्राई देम आउट। और भाई फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आपको ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, अपने बैंक अकाउंट खुलवाया, आपने पैसे डाले, आपने खर्चे किए, दैट्स इट। भाई ये बिल्कुल एक बॉटम लाइन है, आप इससे ऊपर उठो, देयर आर मेरी फैसिलिटीज एंड टूल्स अवेलेबल जिसको आपको अवेल करना चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैन स्टूडेंट्स गेट अ क्रेडिट कार्ड। तो जो क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे इस वीडियो में, दोज आर व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड इन ब्रीफली, ठीक है, सबको पता होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ क्रेडिट कार्ड इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, कितने टाइप के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो मैंने जितनी जगह मैंने रिसर्च किया, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल, और हर टीम का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर उसमें एक अलग, किसी में आपको कुछ ट्रेड ऑफ्स होंगे, किसी में आपको एडवांटेजेस होंगे, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन अगेन द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ टुडे, कैन स्टूडेंट्स गेट अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि एज यू नो वी आर नॉट सिटीजन, हमारा क्रेडिट स्कोर अप टू द मार्क नहीं होता, सो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, आर वी स्टिल एलिजिबल टू गेट अ क्रेडिट कार्ड और नॉट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अल्टीमेटली अगर आप एलिजिबल हो, व्हाट आर द स्टेप्स टू एक्चुअली अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड एंड एक्चुअली गेट वन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एंड फॉलोड मी इंस्टाग्राम, मेक श्योर यू फॉलो मी इंस्टाग्राम। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी अबाउट सेविंग्स, क्योंकि भाई सेविंग्स मतलब मैं जितना भी इन्फोर्स करूँ इस चीज़ को वो कम है, यू नीड टू सेव मनी इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्टूडेंट्स, आप हाई क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, जहाँ पे भी हो भाई, यहाँ पे पैसे की बहुत वैल्यू करनी पड़ेगी आपको, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग योर हार्ड मनी। ठीक है, आप भी चाहोगे कि आपका पैसा बचा रहे, तो हमने एक वीडियो डाली थी इस पर, हाउ टू सेव मनी इन ऑस्ट्रेलिया, मेक श्योर यू चेक दैट आउट, सो दैट दिस वीडियो के आपको सेंस और अच्छा मिले एंड एक फाउंडेशन बन जाए। बाकी चालू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो भाई स्पीकिंग ऑफ व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो तुम्हें मैं गूगल से बड़े डेफिनेशन दूंगा ताकि कुछ मिस ना कर दूं मैं। अ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंड्स अप टू एन अग्रीड लिमिट। ठीक है, होता क्या है कि आपके पास आज आपने एक परचेज की है, तो आपको इंस्टेंट पैसा नहीं लेना, जो भी आपका अमाउंट होगा द बैंक विल क्रेडिट दैट टू यू, एंड यू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज टू पे दैट मनी बैक विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप पैसे दे देते हो, देन देयर इज नो इंटरेस्ट। बट क्रेडिट कार्ड में एक फ्लॉ ये है कि अगर आप वो पेमेंट टाइम से नहीं करते, दैट्स व्हेन द थिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, आपको काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा, उस टाइम हैव टू पे देम बैक। तो दैट इज बेसिक क्रेडिट कार्ड, कि आपको क्रेडिट दे देता है फॉर योर डे टू डे परचेजेस। ठीक है, तो एडवांटेज भाई, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में महसूस ये हुआ है कि यू हैव अप टू 55 डेज टू पे बैक दैट मनी जो आपने बैंक से लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को एक परचेज की क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यू हैव 30 डेज विंडो जो आपकी साइकिल आएगी, तो लेट्स से आपको 31 जनवरी को आपकी जो होती है इनवॉइस जनरेट होगी, आपने इतना खर्चा किया, यू हैव टू पे दैट बैक। तो 30th जनवरी के बाद आपको 15 दिन और मिलेंगे, इन टोटल ऑफ 55 डेज यू विल बी गेटिंग टू पे बैक दैट अमाउंट, दैट इज इंटरेस्ट फ्री। एंड स्पीकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, भाई इंटरेस्ट रेट्स मैं आपको अभी आगे नंबर्स दूंगा, बट कंपेयर टू इंडिया इट्स अ बिट हाई, बट दैट्स बिकॉज की यहाँ के करेंसी का इफेक्ट है या फिर और बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। एंड द कैश एडवांस रेट इज ऑल्सो वेरी हाई फॉर क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी भाई, एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के जो एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट लिमिट ऐसी सेट करवा ली जो आप पे बैक नहीं कर पा रहे हो टाइम से, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पेमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा।
सेम गोज फॉर कैश. पहली बात तो ऐसे कभी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए कि दैट यू आर सो बैंक्रप्ट और यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी कि आपको क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना पड़ रहा हो एटीएम से. उसका भाई रेट 20-25% से भी ज़्यादा होता है. सो आई वोंट सजेस्ट दैट. तो जो दो एडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के, दैट यू गेट क्रेडिट एंड यू हैव अ सर्टेन टाइम फ्रेम टू पे दैट बैक टू द बैंक, वही आपके डिसएडवांटेज भी बन जाते हैं इफ यू डोंट डू द सेम इन द राइट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में कभी भी, एज आई सेड यू नो न्यूमरस टाइम्स बिफोर, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम. कभी भी आपको पैसे की नीड आ सकती है, कभी भी कुछ भी राइज हो सकता है, एंड यू कैनॉट प्रिडिक्ट व्हाट्स कमिंग इन ऑस्ट्रेलियंस लाइफ इन टू योर वे. तो उस चीज के लिए क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. क्रेडिट कार्ड के तीन टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से टाइप जो है काफी ज्यादा इस पे ना फर्क पड़ता है कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज अ क्रेडिट कार्ड. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इज लो रेट. ठीक है, लो रेट एज द नेम सजेस्ट कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. तो लो रेट क्रेडिट कार्ड वो लोग अप्लाई करते हैं जिनको पता है कि वी के नॉट पे बैक द अमाउंट विद इन द 30 डेज पीरियड. तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम लगता है कंपेयर टू अदर बैंक कार्ड्स. ठीक है, इजी शब्दों में आपको पता है 30 दिन में मैंने $1,000 अगर बैंक से लिए मैं पे बैक नहीं कर पाऊंगा, तो यू गो फॉर लो रेट क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज उसमें अगर आप डिले करते हो अपने पेमेंट, वो रेट इतना ज्यादा नहीं होगा कि भाई आपका सारा पैसा इंटरेस्ट में ही चला जाए. इट विल बी लो रेट एज अ टाइम सजेस्ट. यू डोंट गेट अ ग्रेस पीरियड टू पे बैक दैट अमाउंट, बट यू डू गेट लो इंटरेस्ट रेट्स. सेकंड बात करते हैं लो फीस क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, तो एज यू ऑल नो कोई भी बैंक ले लो, ANZ ले लो, कॉम बैंक ले लो, बैंकर्स ले लो, क्रेडिट कार्ड की एक एनुअल फीस होती है. ठीक है, तो लो फीस का मतलब एज इट सजेस्ट कि आपको क्रेडिट कार्ड के सेम बेनिफिट्स मिलेंगे एट अ लोअर फीस. ठीक है, तो इसमें ट्रेड ऑफ केस में एक्चुअली एडवांटेज ये, अगर आपको पता है कि यू कैन पे बैक द अमाउंट विद इन द 55 डेज स्पेसिफाइड पीरियड, तो आपको वैसे इंटरेस्ट लगेगा नहीं, और आपके साल के जो पैसे ज्यादा जाते हैं लो रेट क्रेडिट कार्ड में वो आपके पैसे कम हो जाएंगे. मतलब आप एनुअली जहाँ पे आप शायद $100 दे रहे थे लो फी क्रेडिट कार्ड के लिए, यहाँ पे आप सिर्फ शायद $45-$50 पे करोगे. तो दो टाइप्स हो गए, लो फी क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल फीस कम होती है, लो रेट क्रेडिट कार्ड जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है. ठीक है, तो अपने यूजेज के हिसाब से यू कैन गो फॉर व्हाटएवर यू वांट. थर्ड जो टीयर होता है दैट इज एन अवार्ड्स क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपके प्लैटिनम अवार्ड्स, डायमंड अवार्ड्स, कैंडस फ्लायर अवार्ड्स आते हैं. बट इसका एक फ्लॉ ये है कि आई डोंट थिंक ये काफी स्टूडेंट्स में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा होती है. जैसे लो रेट एंड लो फीस के क्रेडिट लिमिट इज मिनिमम क्रेडिट लिमिट एटलीस्ट $500 होती है. तो इफ योर एप्लीकेशन गेट्स एक्सेप्टेड तो आपको मिनिमम क्रेडिट लिमिट एटलीस्ट $500 पर मंथ की तो मिलेगी फॉर ईच बिलिंग साइकिल. बट सेम चीज अगर आप अवार्ड्स क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो दैट लिमिट हैज टू बी एटलीस्ट $4,000-$10,000. ठीक है, तो क्रेडिट लिमिट भी अगेन क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है. आप अपना चाहो तो फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट कीप दैट इन माइंड, जितना ऑफन आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे उतना ही आपका स्लोली ग्रेजुअली क्रेडिट स्कोर कम होता रहेगा. ठीक है, और भी क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ी चीज है ऑस्ट्रेलिया में. इट कैन कंटेन, ये आपके लिए लाइक जब आप पीयर फाइल करोगे तो क्रेडिट स्कोर इज द एब्सोल्यूट मेन थिंग. अगर आपको टिप्स चाहिए हाउ यू कैन मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. क्योंकि भाई क्रेडिट स्कोर लगने में सुनने में काफी एक शॉर्ट चीज लगती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ हाई क्रेडिट स्कोर, जिससे क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो, जिससे आपको लोन्स लेने में हेल्प मिलेंगे, आगे पीयर में गाड़ी लेने में हेल्प मिलेगी, बहुत चीजों में हेल्प मिलेगी. सो उस पर कभी डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियो में. ठीक है, तो तीन टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हो गए. और अवार्ड्स वाले में एक बेनिफिट ये होता है कि इफ यू आर फ्लाइंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है, या फिर इफ यू आर गोइंग ओवरसीज अ लॉट, देन अवार्ड क्रेडिट कार्ड्स मेक्स द बेस्ट सेंस. उसकी ऑब्वियसली एनुअल फीस थोड़ी ज्यादा होगी, बट जो भी आप शॉपिंग करोगे, चाहे वो $1 हो, $2 हो, $3 हो, हर डॉलर पे यू गेट सम पॉइंट्स. ठीक है, और वो पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो कैंटस या फिर जो भी फ्लाइट के साथ एसोसिएटेड होगा, एंड यू कैन रिडीम दैट अमाउंट एज वेल. सो बट उसमें आई एम प्रीटी श्योर स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो वो हमारे लिए नहीं है, हम स्टूडेंट्स पर डिस्कस करेंगे. अब हमारा गोल्डन क्वेश्चन, कैन स्टूडेंट्स गेट अ क्रेडिट कार्ड इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट दी रेजिडेंट स्टूडेंट्स जो यहाँ के डोमेस्टिक लोग हैं. तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर इज येस. अब आपको किस टाइप का क्रेडिट कार्ड मिलेगा और किस क्या लिमिट मिलेगी, दैट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. कॉम बैंक के अलग अपने क्रेडेंशियल्स होंगे, सेपरेट फॉर ANZ, सेपरेट फॉर द बैंक्स. बट द क्वेश्चन इज येस, यू कैन गेट क्रेडिट कार्ड एज अ स्टूडेंट. ठीक है, इसमें आते हैं दो सिनेरियोस, स्टूडेंट वीजा एंड 485 वीजा. ठीक है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आए हो, या तो आप अपने स्टूडेंट वीजा पे होगे, विच इज सब क्लास 500, एंड द नेक्स्ट इज कि अगर आपका स्टूडेंट्स वाला जो टाइम है वो खत्म हो गया, यू विल बी ऑन अ TR, विच इज वीजा सब क्लास 485. तो सर्टन, देखो 485 पर तो आपको हर बैंक क्रेडिट कार्ड दे ही देगा, लिमिट कैन फ्लक्चुएट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द बैंक. बट अगर आप स्टूडेंट वीजा पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट वीजा 500 सब क्लास पर अगर अप्लाई कर रहे हो, तो सर्टन बैंक्स विल नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन एंड सर्टन बैंक्स विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन. ठीक है, तो अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगना चाहो तो जो कॉमनवेल्थ बैंक है, दे डोंट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट वीजा, बट 485 में वो एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको क्रेडिट लिमिट भी एटलीस्ट 4,000 प्लस की दे देते हैं, विच इज क्वाइट डिसेंट. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हर क्रेडिट कार्ड में आपको सेम लिमिट मिलती है, हो सकता है आपके पास
आपका अगर बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है या आपकी पेमेंट्स काफी रेगुलर गई हैं और क्रेडिट स्कोर इज हाई, यू मे इवन गेट अ क्रेडिट लिमिट ऑफ अबाउट $10,000 पर मंथ, विच इज रियली रियली गुड, क्योंकि इतना खर्चा तो भाई हो ही नहीं पाता स्टूडेंट्स का खासकर। देन आता है क्वेश्चन हाउ टू गेट अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में सारे काम होते हैं ऐप के थ्रू। अब इंडिया में मैं पर्सनली जब भी रहा हूँ, बैंक का कुछ भी अगर मेजर काम होता था, हम ब्रांच में जाते थे, 30-40 मिनट वेट करते थे, उसके बाद हमारा नंबर आता था, फिर हम अपनी कहानी गाते थे। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आई हैव द कॉम बैंक ऐप, वैसे मेरे पुराना फोन है तो हाँ कॉम बैंक ऐप है इसके ऊपर, तो मुझे कुछ भी चाहिए हो, ठीक है, लाइक मुझे क्रेडिट कार्ड के बराबर बात करनी हो, मुझे डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना हो, मुझे पिन चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, मैं ऐप के थ्रू करूँगा। सो फ्रॉम दिस सेम ऐप यू कैन अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड। बहुत ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है, स्टेप वन। उसमें अपना आप एड्रेस डालोगे, अपना कितने साल तक इस जगह पर रह रहे हो वो डालोगे, बेसिक डिटेल्स डालोगे। देन द सेकंड स्टेप इज दैट दे विल डू क्रेडिट चेक ऑन यू। और क्रेडिट चेक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपका 550 से ऊपर है देन आप सेफ हो, बट अगर आपका 550 600 से बिलो आता है देन यू आर इन द मॉडरेट जोन एंड इट्स हाईली पॉसिबल दैट आपका एप्लीकेशन शायद रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अनदर फैक्टर इज वो आपके फंड्स देखते हैं कि आपके पास एक्चुअल में प्रेजेंट में लिक्विड एसेट्स कितने हैं आपके बैंक में, विच इज योर कैश। तो अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो उसका पैसा देखेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो सबका पैसा देखेंगे, दैट्स फॉर स्टेप थ्री। स्टेप फोर इज आपको अपनी प्रूफ ऑफ इनकम देनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन दे आस्क यू फॉर इनकम आप उसमें अपनी सारी इनकम ऐड कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप उसका डालोगे, सेकंड जॉब की पे स्लिप डालोगे, अगर आपकी कोई पैसिव इनकम है या फिर कोई भी और इनकम है तो आप उसको अपने थर्ड उसमें डालोगे, ठीक है। और उस सबका प्रूफ चाहिए होगा थ्रू पे स्लिप्स। तो जब आप पे स्लिप डाल दोगे दे विल पुट योर एप्लीकेशन इनटू द प्रोसेसिंग एंड वो सब चीज़ें प्रोसेस करके वो आपको एक लिमिट देंगे कि आप पहली बात तो आपको बताएंगे यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस क्रेडिट कार्ड और नॉट, ठीक है। क्योंकि एक होता है बेसिक क्रेडिट कार्ड, एक होता है गोल्ड क्रेडिट कार्ड और फिर एक होता है प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। तो हो सकता है कि आपकी डिटेल्स के हिसाब से आपका गोल्ड तक क्लियर हो जाए बट प्लैटिनम क्लियर ना हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। या हो सकता है आपका सिर्फ बेस वाला क्लियर हो, आपका गोल्ड भी क्लियर ना हो, तो दे विल सेंड यू अ मेल सेइंग दैट कि आपका इस टीयर तक आपका क्लियर है एंड दैट्स द मैक्सिमम लिमिट दैट वी कैन ऑफर यू। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आपका अप्लाई यू नो एक्सेप्ट हो जाता है एंड दे गिव यू अ मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ऑफ $5,000 पर मंथ। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो 5,000 की लिमिट लेनी है, आप उससे कम कोई भी अमाउंट ले सकते हो। इन शॉर्ट यू कांट एक्सीड द 5,000 लिमिट बट उसके अंदर कोई भी अमाउंट ले सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज अबव 500। तो बेसिकली यू हैव $4,500 टू चूज फ्रॉम कि आपको अपनी लिमिट कितनी करनी है। यू कैन इवन सेलेक्ट अप टू द लास्ट नंबर। तो जब आप ये पूरी सिलेक्शन कर लेते हो, योर प्रोसेस योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड, वो आपको येस बोलते हैं। Within 10-15 डेज आपका क्रेडिट कार्ड घर पे आ जाता है, उसको आप अपने ऐप के थ्रू ही एक्टिवेट करते हो, आपको बैंक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी चेक भी आपके यहाँ पे नेट बैंकिंग से सारा हो जाता है, तो एवरीथिंग कैन बी डन ऑन योर फोन। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। इफ यू नीड अ सेपरेट वीडियो ऑन स्टेप बाय स्टेप, वैसे देखो 4 ही स्टेप है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में, बट इफ यू वॉन्ट मी टू शो यू ऑन माई लैपटॉप आई कैन डू दैट एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प आउट विद दैट इफ यू नीड इट। तो भाई ये थे सारे स्टेप जिसको हमें वीडियो में टारगेट करना था, एंड आई थिंक आई हैव मेड मायसेल्फ वेरी क्लियर। जस्ट फॉर क्लोजर कि भाई क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा टूल है जो आई थिंक स्टूडेंट्स को काफी हेल्प कर सकता है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज कि भाई हमारे पास इंस्टेंट पैसा नहीं होता, हमें पता है कि हमारी वीकली पे नेक्स्ट मंथ वीक आनी है या उसके बाद आनी है, बट कोई खर्चा सडनली आ जाता है। तो आई थिंक उस सिनेरियो में क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट टूल। ऑब्वियसली बाय नाउ पे लेटर ऐप्स भी बहुत सारे हैं पर जो आपको 6 वीक्स एंड इवन 8 वीक्स तक का क्रेडिट देते हैं, बट अगेन उनकी क्रेडिट लिमिट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपको अपने बैंक में मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 3 साल हो जाएंगे मेरे को कॉमनवेल्थ बैंक के साथ, तो मेरी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, मेरी क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, मैं अपनी पेमेंट्स भी टाइम टू टाइम देता हूँ, तो नेचुरली मेरी क्रेडिट स्कोर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड क्रेडिट स्कोर के साथ मेरी क्रेडिट लिमिट ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो दीज आर सम सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर अप्लाइंग फॉर अ क्रेडिट कार्ड। मेक श्योर यू चेक आउट द डिसएडवांटेजेस एज वेल, क्योंकि अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो आप पे भाई बहुत हावी पड़ जाएगा। एंड इफ यू विड्रॉ कैश फ्रॉम एन ATM थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, उस पे एडवांसेस काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इफ यू वॉन्ट अ लिंक आई कैन ड्रॉप डाउन अ लिंक जिसमें सारे टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड लिखे होंगे, यू कैन सिलेक्ट विच वन इज बेटर फॉर यू। एंड आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो मेक सेंस टू यू, बिकॉज आई नो इट्स नॉट अ टॉपिक दैट मेनी पीपल डिस्कस, बट इट्स माई जॉब टू मेक यू गाइज अवेयर अबाउट इट कि ऐसे टूल्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए एंड इट्स डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट टू हैव वन। देखो मैं नहीं कह रहा कि आपको क्रेडिट लिमिट अपनी 5-6 हज़ार करनी है, ठीक है, और आपको खर्चा भी उतना करना है, हो सकता है आप महीने में सिर्फ $100 खर्च करो, बट इन दी एंड दैट्स अगेन हेल्पिंग, चाहे वो थोड़ी हेल्प हो ज़्यादा हेल्प हो, क्रेडिट कार्ड इज अ टूल दैट कैन रियली हेल्प यू आउट। और भाई क्रेडिट कार्ड्स का एक मैक्सिमम एडवांटेज जो शायद मैंने मेंशन नहीं किया फर्स्ट में, कि दैट जितना ऑफन आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे एंड जितनी ऑफन आप टाइम टू टाइम पेमेंट्स करोगे उतना आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा। और भाई एज आ सर क्रेडिट स्कोर भाई इस दुनिया में और इस ऑस्ट्रेलिया में भाई बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाटएवर यू डू इन द फ्यूचर आपका क्रेडिट स्कोर हर चीज़ में लिया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों में लिया जाता है।
सो आई रियली होप दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर यू लीव अ लाइक, दैट रियली हेल्प्स अस आउट. सब्सक्राइब टू द चैनल. फाइनेंशियल वीडियोज और चाहिए तो भाई मेरे को बहुत मजा आता है इन चीजों को एक्सप्लेन करने में. इफ यू थिंक आई हैव मिस्ड सम पॉइंट्स डू लेट मी नो, एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर फाइनेंशियल एडवाइस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा मैं उसी चीज़ पर बताऊंगा. आई कांट टेल यू समथिंग जिसका मैंने खुद ही अभी एक्सपीरियंस ना किया, वो मेरे भी हाफ पे गलत हो जाएगा. सो आई होप यू गाइस रियली लाइक्ड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.